का वीडियो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पानी जहाज में भाई दरिया के बीच में। वैसे तो हम काफी बार इसमें आ चुके हैं, काफी बार इसमें जा चुके हैं, लेकिन एक बार आपके लिए हम फिर से आ चुके हैं। हावड़ा ब्रिज टू बाबू घाट चलेंगे। तो फिलहाल ये है हावड़ा ब्रिज और हमारा नाव जो है वो आना बाकी है। वो हमारी नाव देखिए ये आ रही है और इसमें काफी ज्यादा भीड़ है और काफी लोग इसमें मौजूद है, पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है भाई। तो ये सारे लोग उतरेंगे और फिर हम इसमें जाएंगे और हम यहाँ से चलेंगे सीधा बाबू घाट के लिए। और मजा कितना आने वाला है भाई, आप वीडियो को पूरा देखना भाई, समझ में आएगा। और हमें कौन कौन सी नाव देखने को मिलता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और कभी भी आप अगर इधर आओ तो इधर पे जरूर आना भाई, काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि काफी लोग जो है नाव में चढ़े नहीं है, लेकिन आप अगर इधर आओ तो आप इधर से आ सकते हैं। और इसकी टिकट प्राइस भी काफी कम है भाई, छह रुपए काफी कम होते हैं। और 6 रुपया दो और फिर आप चले जाओ बाबू घाट से फिर आप बस पकड़ के आप इधर उधर कहीं भी जाओ, कोलकाता में आप घूम सकते हैं। तो फिलहाल हमारी नाव जो है वो निकल चुकी है और इधर का व्यू काफी शानदार हावड़ा ब्रिज का भाई। ये अगर नाइट होता ना और मजा आ जाता, ओहो काफी ज्यादा शानदार और काफी बेहतरीन दिखने में लग रहा है अभी, और नाइट में तो कितना लगता होगा भाई। सो फिलहाल नाइट में जो है ये नाव चलती नहीं है, इस वजह से, नहीं तो हम आपको नाइट का भी वीडियो जरूर से दिखाते। देखिए हमारी जहाज जो है वो घूम रही है, काफी स्लो है। अभी इधर का जो बहाव आएगा तो नाव हमारी काफी तेज जाएगी, और जब उधर का बहाव आएगा तो फिर उधर से नाव हमारा काफी तेज आएगी। लेकिन ये दरिया की ये खासियत है कि एक टाइम इधर से पानी जाता है और एक टाइम इधर से पानी बहता है, मतलब दोनों टाइम बहता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आगे से देखिए हुगली ब्रिज आगे पे है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, काफी दूर है हम। और जब हम नजदीक पहुंचेंगे बाबूघाट के तो आपको हुगली ब्रिज नजर आएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं भाई। इतना शानदार और हवा, इतना मस्त हवा चल रहा है, इतना ठंडा हवा, देखिए। और आगे पे हमारी जो है ईडन गार्डन भी आगे में है सीधा, वो जो फुटबॉल वाली टंकी जो नजर आ रहा है वाटर टैंक, उसके पीछे है ईडन गार्डन भाई। ओह काफी शानदार व्यू। ओ भाई साहब यहाँ पे देखिए कितना शानदार जहाज जो है वो नजर आ रहा है भाई। ये 4 फ्लोर का है यार, 4 छत वाली जहाज। ये किधर जाता होगा भाई, हावड़ा के ब्रिज के नीचे से गुजरेगी या किस? ये एक्चुअली में ज्यादातर ये जहाज जो है वो सुंदरबन जाती है। सुंदरबन काफी बेहतरीन जगह है यहाँ का, तो ज्यादातर जहाज जो है वो उधर ही जाती होगी। इस तरीके की जहाज काफी खूबसूरत तो लग रहा है यहाँ पे। देखिए पानी जहाज, देखिए 4 फ्लोर का तो है भाई। 1 2 3 4 5 और भीड़ भी काफी ज्यादा है, भीड़ भी काफी ज्यादा। देखिए लोग ऊपर में वीडियोस बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो आप इधर आ सकते हैं, या फिर आप अगर इधर आना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा भीड़ और हम ठुस्सा ठुस्सी कर धकेला धकेली कर रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। हम अभी पहुंचने वाले हैं भाई, देखिए अभी से लेके खड़े हैं, क्योंकि जब हम पहुंचेंगे घाट में तो ये जो एक जहाँ पे हम उतरेंगे वहाँ पे एक जगह होती है, वहाँ पे इस रस्सी को फंसाया जाता है ताकि नाव जो है वो इधर उधर हिले ना। तो फिलहाल हम बाबू घाट पहुंच चुके हैं। देखिए भाई इतना बेहतरीन जहाज है और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है, 500-600 हजार इस तरीके से कुछ लिया जाता है, और आपको एक आदमी दिया जाता है, उससे आप बोटिंग का जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, काफी स्पीड राइड कर सकते हैं। अभी ये हमारी घाट आ चुकी है बाबू घाट। भाई इतना ज्यादा भीड़ किस वजह से है मुझे समझ में ना आ रही, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ है। और हम यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से निकलेंगे भाई, तो फिलहाल वीडियो को हमें ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है और धक्का मुक्की अगर लग गया तो मोबाइल सीधा चला गया दरिया गंगा माँ के अंदर। देखे भीड़ काफी ज्यादा है भाई साहब, और भाई CPM के झंडे लेके खड़े हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इधर आना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करना, जरूर बताना। और अगर आप इधर आ चुके हैं तो आप इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना भाई। काफी सस्ता है राइड, ये राइड काफी सस्ता है, 6 रुपया काफी कम होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।